हेलो दोस्तों, जानते हैं 8 फरवरी की हिस्ट्री और फेमस बर्थडे भी। आपका अगर बर्थडे है आज, करेंगे वो भी सेलिब्रेट। तो आइए तमाशा देखते हैं। आठ फरवरी 1909 यूरोपीय देश जर्मनी और फ्रांस के बीच मोरक्को संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 8 फरवरी 1909 में आठ फरवरी 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के केल से एक नौका के जरिए जापान के लिए रवाना हुए। 8 फरवरी 1943 में आठ फरवरी 1952 महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी और राष्ट्रमंडल देशों की अध्यक्ष बनी। 8 फरवरी 1952 में आठ फरवरी 1971 दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार नैसडेक की शुरुआत हुई। 8 फरवरी 1971 में आठ फरवरी 1971 लाओस पर दक्षिणी वियतनामी सेना ने हमला किया। 8 फरवरी 1971 में आठ फरवरी 1986 दिल्ली हवाई अड्डे पर पहली बार प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की गई। 8 फरवरी 1986 में आठ फरवरी 1994 कपिल देव ने टेस्ट मैचों में 432 विकेट लेकर रिचर्ड्स हेडली के सबसे अधिक विकेट लेने के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। 8 फरवरी 1994 में आठ फरवरी 2006 सियोल में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 3 समझौते संपन्न हुए। 8 फरवरी 2006 में आठ फरवरी सन 2008 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिक शांतनु भट्टाचार्य को जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8 फरवरी 2008 में आठ फरवरी सन 2008 उड़ीसा के शिशुपालगढ़ में खुदाई के दौरान 2500 वर्ष पुराना शहर मिला। 8 फरवरी 2008 में जानते हैं बर्थडे। 8 फरवरी 1897 भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का जन्म हुआ। 1941 भारतीय गजल सम्राट जगजीत सिंह जी का जन्म हुआ। 1963 भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन का जन्म हुआ। 1986 भारतीय महिला क्रिकेटर एकता बिष्ट का भी जन्म हुआ। इनको इनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन आपका अगर बर्थडे है तो आपको भी आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। आपके लिए जो उत्तम और अच्छा हो भगवान उसे हमेशा पूर्ण करे। 8 फरवरी को जन्मे हुए लोग कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट होता है उनका। बहुत इनोवेटिव होते हैं और बहुत प्रशासनिक होते हैं। थोड़ा विलक्षण ही होते हैं, सन के स्वभाव के भी होते हैं। ज़रूरी नहीं आपकी राशि यही हो, आपकी राशि कुछ और भी हो सकती है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, वो आप चेक करवा लें। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंग्लिश कैलेंडर यानी रोमन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखना चाहते हैं अगर और भी दिनों का इतिहास तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी सारी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे teamnationtamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।